जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आपके लिए जो ये अपडेट है, ये वेटिंग लिस्ट क्लियर के लिए है दोस्तों। जो जिला पुलिस बल का है उसका वेटिंग लिस्ट क्लियर, कितना परसेंट चांस होता है। और आप इस जो अपडेट को देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी अगर आपका नाम वेटिंग लिस्ट में है तो। लेकिन ये जो अपडेट आया है, ये वायरल जो हो रहा है एक प्रेस विज्ञप्ति, ये ऑफिशियली हालांकि सिटी पुलिस की वेबसाइट पर नहीं आया है, लेकिन अगर ये सही हो जाता है, अगर ये जो देख सकते हैं परीक्षा भर्ती पुलिस भर्ती परिणाम, तो वेटिंग लिस्ट वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज होगा। क्योंकि जो भर्ती निकाला गया था वो 2259 पदों के लिए निकाला गया था, लेकिन जो चयनित अभ्यर्थी है वो 2038 बता रहा है आप इसमें देखेंगे तो इस हिसाब से 221 कैंडिडेट का सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ है। तो जिन भी कैंडिडेट का वेटिंग लिस्ट में नाम है तो उनका क्लियर होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन ये रेंज वार बढ़ता है दोस्तों चांस होने का। हालांकि जो वेटिंग लिस्ट क्लियर होता है तो 1% से कम सिलेक्शन होने की चांस रहती है। रायपुर, दुर्ग, सरगुजा, बिलासपुर संभाग में इस तरह से आप देखेंगे। बस्तर संभाग में सबसे ज़्यादा रिक्त पद है 195, बाकी जगहों पर आप देखेंगे तो 7, 8, 10, 1 है। तो वेटिंग लिस्ट सबसे ज़्यादा क्लियर होने के चांसेस कहाँ बन रहे हैं? बस्तर संभाग में दोस्तों। अगर सरगुजा संभाग में भी 8 है, सरगुजा में 10, दुर्ग में 8 है, तो ये वेटिंग लिस्ट क्लियर हो सकते हैं। हालांकि कैटेगरी वाइज इसे नहीं बांटा गया है, न कि महिला और पुरुष के बारे में बांटा गया है। हम इसे सत्य माने तो वेटिंग लिस्ट क्लियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो ट्रांसजेंडर का सिलेक्शन हुआ है वो 13 लोगों का हुआ है, तो बात स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाता है। लेकिन यहाँ तक आ जाता है कि पुलिस भर्ती परिणाम में जो महिला पुरुष और ट्रांसजेंडर का सिलेक्शन हुआ है वो इसमें करेक्ट है, लेकिन जो कुल चयनित अभ्यर्थी है ये अभी एक साथ जारी नहीं किया गया था, तो इसके करेक्शन के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो वेटिंग लिस्ट वालों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है दोस्तों। इसका अभी तक किसी वेबसाइट में ये अपलोड नहीं किया गया है, ये बस सोशल मीडिया साइट में वायरल हो रहा है दोस्तों। हम इसकी पुष्टि तो नहीं करते, लेकिन अगर ऐसा होगा तो वेटिंग लिस्ट वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है दोस्तों।